Good afternoon, dear student. Welcome to the class. आज इस क्लास में हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश का जो सेकेंड पैराग्राफ है पैरा स्टडी कर रहे थे, इसकी हिंदी को स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे थे आप लोगों के सामने। इसकी स्टोरी को अभी आज आपको बताएंगे, जो बाकी का स्टोरी है नंबर क्लास फिफ्थ का सब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश। और सब्जेक्ट इंग्लिश है, चैप्टर नेम है रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो। इस चैप्टर को इसमें फर्स्ट पैराग्राफ आपको कल उसकी हार्ड वर्ड को भी राइट करा दिया गया था। आज इसमें कहानी में हम लोगों ने कल सुना था या बताया गया था आपको कि जो रॉबिन्सन क्रूसो आथर है वह एक वयाज यानी समुद्री यात्रा पर जाता है जिसमें उसे बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस कठिनाइयों का सामना में जैसे इसमें स्टॉर्मी सी समुद्र तूफानी समुद्री लहरें सी वेव्स बहुत सा टॉर्नेडो डिस्टर्ब करता है जिसमें उसके नाव जो होते हैं सिप जो होता है अस्त व्यस्त हो जाता है, वो समुद्र में गिर जाता है। कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक हेल्दी टॉर्नेडो आया, मतलब तूफानी टॉर्नेडो जो कि कह सकते हैं जिग्नेटिक टॉर्नेडो आया और उसके नाव को ऊपर उठा देता है और सबको नीचे पानी में डुबो देता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है, उस आगे के पैराग्राफ का हार्ड वर्ड हम आपको बताएंगे। पैराग्राफ सेकेंड का हार्ड वर्ड ये है जिसमें कुछ वर्ड मीनिंग हम आपको राइट करा रहे हैं, सब लोग देखेंगे। बेटा सेलर फर्स्ट है, सेलर सेलर मीन्स होता है नाविक, नाविक या तैरने वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर टू सेलर हो गया, फिर बैटल बी ए डबल टी एल ई डी, बैटल मीन्स लड़ाई लड़ी, बैटल मीन्स लड़ाई लड़ी। उसके बाद इन दैट स्टॉर्मी सी यानी समुद्री तूफान सी, स्टॉर्मी स्टॉर्मी सी यानी तूफानी समुद्र, तूफानी समुद्र। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैरा में, साइट मीन्स दृश्य होता है, साइट मीन्स दृश्य। इसके बाद कॉस्ट मीन्स तर्क होता है, सी ओ एस टी कॉस्ट मीन्स तर्क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ह्यूज मीन्स विशाल होता है, ह्यूज मीन्स विशाल। आगे चलते हैं कैरी मी आउट द अगेन मीन्स दोबारा या पुनः, अगेन मीन्स पुनः दोबारा, ठीक। फिर उसके बाद अगेन एंड अगेन, आई ट्राई मीन्स ट्राई मीन्स प्रयास किया, ट्राई मीन्स प्रयास किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रीच, रीच मीन्स पहुंचना, पहुंचना रीच मीन्स पहुंचना। शोर मीन्स किनारा, शोर मीन्स किनारा, शोर मीन्स बेटा किनारा। अब आगे चलते हैं, आई वाज थ्रोन, अब थ्रोन हमें मतलब फेंक दिया गया, दूर फेंक दिया गया, बाय द राइजिंग सी समुद्री समुद्री लहरों से, एट लास्ट मीन्स अंत में, एट लास्ट मीन्स अंत में। उसके बाद आई वाज हर्ड, हर्ड मीन्स
वार्डनेस की तरफ। एग्जॉस्टेड मीन्स थक गया, एग्जॉस्टेड मीन्स थक गया, एग्जॉस्टेड मीन्स थक गया, थक गया। देखिए अब आगे इसके बाद फॉर्म फेंका, फिर रिजॉल्व में संकल्प लिया, रिजॉल्व रिजॉल्व संकल्प। अब हम स्टोरी को आगे पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए कल के बाद स्टोरी आगे बढ़ते हैं। आई एम गुड सेलर एंड आई फॉर एन आवर एंड हाफ आई बैटल इन द स्टॉर्मिस। मैं गुड सेलर मतलब अच्छा तैराक, नाविक या तैराक लिख सकते हैं, नाविक या तैराक लिख सकते हैं, तैराक। मैं एक अच्छा तैराक था हूँ, इसलिए मैंने लगभग एक से डेढ़ घंटे इस तूफानी समुद्र से लड़ाई लड़ी। इसके बाद एज कैट साइट ऑफ सी कॉस्ट ह्यूज वेव वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन। और इसके बाद क्या होता है, मैंने देखा कि एक ह्यूज मीन्स विशाल समुद्र की लहर मुझे उठाकर फिर समुद्र में पटक देती है, या दोबारा अगेन एंड अगेन बार बार ऐसा करने के बाद आई ट्राई टू रीच द शोर, मैं किनारे पे पहुंचने का प्रयास किया, अगेन एंड अगेन बार बार करता रहा। आई वॉज थ्रोन अवे बाई द रैगिंग सी, और मैं समुद्र के लहरों के द्वारा बार बार समुद्र में फेंका जा रहा था, और मैं बार बार प्रयास कर रहा था, मतलब वो कंटिन्यू प्रयास जारी रख रहा था, लेकिन फिर भी समुद्र की लहरों से बार बार पानी में फेंक दे रही थी, लेकिन फिर भी वो किनारे जाने का प्रयास पूरी तरह कर रहा था। एट लास्ट अंत में आई वॉज हर्ल्ड टुवर्ड द शोर, और अंत में मैं समुद्र की लहरें बार बार समुद्र में फेंक रही थी, तो एक बार हुआ क्या कि समुद्र की लहरों ने उसे किनारे की तरफ फेंक दिया। एंड द शोर एंड फेल डाउन एक्सेप्टेड ऑन द सैंड, और मुझे कहाँ पटक दिया ले जाकर, बालू पर, समुद्र के किनारे का जो बालू का हिस्सा होता है उसी पर पटा, और मैं थका हुआ उसी पर पड़ा रहा। The night was dark without a star in the sky. और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आसमान पूरी तरह से काला अंधेरा है, अंधेरा छाया हुआ है, एक भी सितारे नहीं दिखाई दे रहे थे। And I knew that lying on the sand. और मैं यह जान रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वह झूठा है, यानी मैं चुपचाप वहीं पे पड़ा रहा, उड़ भी डेंजरस, और उस समय कहीं भी जाना खतरा हो सकता था, खतरनाक हो सकता था, क्योंकि समुद्र के किनारे बालू की रेत भरे जमीन पर रात को सोना खतरे से खाली नहीं है। आई क्रॉल अवे फ्रॉम द सी एज फास्ट एज आई कुड एंड केम टू सम लूसेंट एंड स्ट्रीम। मैं रेंगते हुए, मतलब कहने का उसका मतलब रेंगते हुए, चला नहीं जा रहा था, थक गया था, तो बालू पर ही लेटते हुए रेंगते हुए वह वहां से हटा और कुछ झाड़ियों तथा पेड़ के पास पहुंचा। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था व्हाट वाइल्ड एनिमल्स देयर कुड बी इन द फॉरेस्ट, कि किस प्रकार के जंगली जानवर इस जंगल में मिल सकते हैं। सो आई क्लाइम्ब अप ऑन द ट्री, इसलिए मैं पेड़ पर चढ़ गया। एंड मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस, मैंने अपने आप को दो शाखाओं के बीच सुविधाजनक बनाया। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड, मैं जैसा जैसे तैसे वहां पूरी रात बिताया, उस पेड़ पर ही पूरी रात बिताया। यहाँ तक बेटा सब लोग टिक कर लेंगे और इस वर्ड मीनिंग को लर्न कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय एंड सी यू टुमारो।